नवाज शरीफ को बाहर भिजवाना बड़ी गलती करार, कप्तान हर प्लान का सामना करने को तैयार। वजीर आजम इमरान खान के मौलाना फजलुर रहमान और शरीफ बरादरान पर खुलकर लफ्जी वार। मंडी बहाउद्दीन में अवामी इज्तिमा से खिताब किया, बोले अपोजिशन डाकुओं का टोला है, सब चोरी बचाने के लिए एक हो गए हैं। इनको डर है जल्द ही हुकूमत ना गिराई तो 2023 का इलेक्शन भी हाथ से जाएगा, पीछा नहीं छोड़ूंगा, जेल भी जाएंगे। जो सारे चोरों का टोला, डाकुओं का गुलदस्ता, इन डाकुओं के गुलदस्ते में एक मैं उसको मुलाना नहीं कहूंगा। ये डीजल क्यों सबको इकट्ठा करके हर 3 महीने के बाद कहते हैं गवर्नमेंट को गिरा दो, इसकी सबसे बड़ी वजह 30 सालों के बाद पाकिस्तान की असेंबली डीजल के बगैर चल रही है, सोलर पे चल रही है, ये सब डरे हुए हैं। और दूसरी तरफ एक छोटा मियां है, एक तो बड़ा भगौड़ा मियां है, वो छोटे मियां का एक तो दिल बड़ा कमजोर है कि अगर आपने चोरी नहीं की तो आपको डर किस चीज का है। हाँ, इमरान खान से डर है, जनरल मुशर्रफ की तरह उसने आपको NRO नहीं देना। कभी आपने सुना कि सियासतदान टेपे रखते हैं और टेपों से ब्लैकमेल करते हैं जजों को? पहले वो अरशद मलिक जज था, उसके ऊपर जी हम टेप हमारे पास है, फिर पुराने चीफ जस्टिस के ऊपर एक फेक टेप बनाई गई। ये पॉलिटिशियन नहीं करते, ये माफिया करता है। शहबाज शरीफ, अगर तुम बेकसूर हो क्यों टाइम लेते हो अदालतों से? जब मेरे ऊपर आपने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, क्या मैं बाहर भाग गया था? मैंने वहाँ खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में साबित किया कि मैं सादिक और अमीन हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।